कौन घुर्रा रहा है? बब्जी, क्या बात है, बहुत घुर्रा रहा है तू? बब्जी ना, काट लेगा बब्जी, काट लेगा दिशु। तो गाइस ये ना देख रहे खड़े होके कि कैसे ना खेल रहे हैं बब्जी और लेडी ऑली। बब्जी देख लो हमारा जैसा भी है, औरतों की तरफ थोड़ा सा ना नरम दिल है। और ये देखो चार्ली आ रहा है मेरी तरफ। छोड़ दे बॉल बब्जी, बब्जी छोड़ दे। गाइस आज फिर ये नाच शुरू हो गया हमारे घर में और बब्जी ने पकड़ लिए राहुल के दोनों हाथ। चल भाग जाओ। तो गाइस देख लो कैसे चमेली के बच्चे ना दोस्ती करके ना बब्जी के साथ इतनी क्लोज हो गए। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग ऑफ नमितोलॉजी। और यहाँ पे बज रहा है सुबह के 9 या 10। हम लोग जा रहे हैं शिवाय की कटिंग कराने, तो राहुल लेके जाएगा। क्या हो गया, गिर क्यों रहे हो खड़े खड़े? तो यहाँ पे दो बच्चे जो राहुल को कह रहे गोदी उठा लो। पैदल जा रहे हो क्या? फिर पैर से चला ही नहीं रहा। मैं गोदी नहीं उठा रहा, मेरे पैर में दर्द। कौन सी गाड़ी में जाना है? अरे कोई भी ले ले यार, मुझे दोनों की चाबियां लाई हूं मैं, इसलिए इसमें इसमें नहीं, मैं तो वो उसकी ट्रक की लाई हूं और इसकी लाई हूं। नेक्स्ट आई इसका मुंह है। हाँ तो चलो चलो, तो चलो बैठो ट्रक में, यहाँ पे अब खड़े हैं अपना। क्या हो गया राहुल, तुम्हारी चाल को क्या हो गया? तुम गाड़ी में बैठो, चलो। तो गाइस ये है हमारा मेल छोना बाबा, किसी को भी अगर ये चाहिए तो। ये एक मेल है रॉटवाइलर, ये लेडी ऑली और बब्जी का बेटा है। और ये देखो बहुत अच्छा है, बहुत छोना बाबा है ना, बहुत एक्टिव है, बहुत अवेयर है। और अभी ये काफी ज्यादा उस पे आ गए हैं अपनी खुद की एक्सटर्नल डाइट पे, रादर देन मदर्स फीड पे अब ये डिपेंडेंट नहीं है। एंड इनकी डीवॉर्मिंग हो चुकी है और एक दो दिन में इनकी वैक्सीनेशन भी हो जाएगी, फर्स्ट 9 in 1। तो ये रहे बच्चे। तो गाइस फिलहाल मैं लेके जा रही हूँ तीनों बच्चों को वॉक के ऊपर, और दिशु उनको ऑलरेडी पार्क में लेके आ चुका है। राहुल थोड़ा बिजी चल रहा है, राहुल के फोन ही नहीं रुक रहे, बजी जा रहे, क्योंकि हमने यूट्यूब इंस्टाग्राम पे हर जगह पे राहुल का नंबर पोस्ट कर दिया था फॉर पपीज। और यहाँ पे मैं टू माय सरप्राइज ये दोनों भी खेल रही हैं, दोनों बहनें काफी अच्छी हेल्थ हो गई है, टचवुड इनकी पहले से। आप देख लो गाइस अच्छे से इनको खाना दिया जा रहा है। और हमने गाइस एक चीज क्या करी है, हमने ना इनके लिए शेड एक यहाँ भी लगा दिया, शायद राहुल ने अपने ब्लॉग में बताया है या मैंने बताया है, और एक हमारे वहाँ घर में भी है, तो वहां पे भी वो लोग सो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी शेड लगा दी कि अगर बाई चांस बच्चे रात को पार्क में कभी रह जाए या लॉक हो जाए, तो हर जगह शेल्टर होना चाहिए, कभी ये बच्चे जमीन पे ठंड में ना सोए, ठीक है। तो ये यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं इनके पैक में शामिल होने की। आप देख लो बब्जी का नेचर थोड़ा चेंज हो रहा है पहले से, धीरे धीरे जैसे उसको आदत पड़ रही है कि ओ माय गॉड क्या है, कौन घुर्रा रहा है, ये कौन घुर्रा रहा है? बब्जी, क्या बात है, बहुत घुर्रा रहा है तू, है बड़ा खुर्राहट हुआ पड़ा है। तो हम आदत डाल रहे हैं बब्जी को कि वो थोड़ा अच्छे से इंटरेक्ट करे। ये देखो दोनों लड़कियां कोशिश तो कर रही है कि इनके पैक में शामिल हो और खेले, तो हम इनको अपनी तरफ से बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे कि ये लोग इनके साथ ना खेले या यू नो, बट हम ध्यान पूरा रखते हैं कि इनको कोई हार्म ना हो, कि ऐसा ना कभी हम इधर उधर हो और आपस में ये सारे लड़ पड़े, क्योंकि बब्जी अगर इनके ऊपर चढ़ा तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जोई बहुत कोशिश करती है उनके साथ खेलने की, जोई जोई, लेकिन यह कि बॉल नहीं देती बब्जी ना, बॉल लेने की कोशिश भी नहीं करता है ना दिशु। अब देखो वहां हो गई है लड़ाई, ठीक है। जोई ना बॉल लेने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन मेरे को लग रहा है बब्जी ने ले लिया अपने मुंह में बॉल। किसके मुंह में बॉल है, बॉल किसके मुंह में है? ओला के मुंह में है, वो बिल्कुल नहीं दे रही किसी को। ओला मम्मा को दे दे बॉल, ओला किसके पास है, ओला बॉल दे दे। मेरे को तो ना आधे टाइम यही नहीं समझ आता कि बॉल किसके पास है। ये देखो पेड़ के आसपास चक्कर काटी जा रही है, जोई ना सर्कल्स में घूमती है गाइस, जोई ना सर्कल्स में घूमती है। दिशु इनके साथ खिलाते हैं ना इनको, आजा आजा तुम भी खेल लो। ये देख, ये देख रहे हैं वो, देखो वो तो भाग गए। क्या हो गया, दिशु ही तो है वो, देखो जोई मिलने गई है। बब्जी नो, ओहो हमें बॉल फेंकनी पड़ी क्योंकि बब्जी एकदम भागता हुआ आया था जोई की और ऑली की प्रोटेक्शन के लिए। इनको क्या प्रोटेक्शन चाहिए ऑली को इनसे, ये तो छोटे से क्यूट से हैं, बट टचवुड इनकी भी ग्रोथ अच्छी हो गई है। ये पैदा हुए थे ऑलमोस्ट 30 सितंबर को ऑलमोस्ट, और आज जो है हमारे ये स्ट्रीट डॉग्स चमेली के बच्चे कितने हो गए, कितने महीने के हो गए, 3-4 महीने के तो हो गए ये भी। तो टचवुड इनकी पहली सर्दियां अच्छी निकल रही। बब्जी बब्जी नो, बब्जी जा रहे हैं उनकी तरफ गुस्से में। बब्जी नो, बब्जी नो, काट लेगा बब्जी, काट लेगा दिशु। ओहो मेरे को डर पड़ा रहता है, लेकिन ना आज बब्जी ने फाइनली इनकी किस्ती ले ही ली और इन्होंने भी बब्जी की तरफ उच्ची ले ही ली। बब्जी देख लो हमारा जैसा भी है, औरतों की तरफ थोड़ा सा ना नरम दिल है। और ये देखो चार्ली आ रहा है मेरी तरफ भागता हुआ, चार्ली बहुत अच्छा निकला टचवुड, मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छे निकले हैं चमेली के बच्चे, बहुत अच्छे। कोई नहीं कह सकता कि इंडी पपीज हैं ये, है ना, कोई कह सकता है कि मतलब इंडी है नहीं ना, अच्छे लगते ब्रीडेड लगते हैं, क्योंकि ना इनका जो नाना है ना
वो जो है वो जर्मन शेपर्ड था। तो ओए यार बब्जी सुन रहे पागल हो क्या। तो गाइस यहाँ पे खेल रहे हैं हमारे ब्रीडेड डॉग्स और ये हमारे स्ट्रीट डॉग्स इकट्ठे। वो देखो आगे बब्जी बब्जी ना टिशू पकड़ ले बब्जी को टिशू पकड़ ले टिशू पकड़ काट लेगा बब्जी। ओ माय गॉड मुझे तो यही देखना पड़ता है कि बब्जी कभी काट ना लेगा। तो यहाँ पे परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करके चल रहे हैं हम लोग बिटवीन आर इंडी पपीज एंड आर ब्रीडेड पपीज। तुम्हारी वो का बहन का है लूना का है लूना का है देखो भाग गए ये टिशू कितने क्यूट हूँ भाई आ जाओ। तो गाइज ये ना देख रहे खड़े होके कि कैसे ना खेल रहे हैं बब्जी और लेडी ऑली और वहां पे वो बैठे। तो यहाँ मैं क्या देख रही हूँ कि राहुल भी पार्क में आए। तुम क्या करने आए हो है राहुल तुम्हें पता अभी इन्होंने बब्जी से पंगे लिए और बब्जी ने पुच्ची दिया इनको पुच्ची पप्पी भी दे दी ना तो बुरा हाल हो जाएगा। अरे वो ना वो लड़कियों को कुछ नहीं कहता चार्ली आया ना तब जाके थोड़ा बब्जी को गुस्सा है। हाँ पर लड़कियों को कुछ नहीं कहा उसने। मम्मी बाय था किसी नेक्स्ट स्नैप कर दिए तो नाम हमारे पे आ जाएगा स्ट्रीट डॉग मरवा दिया तो मैं अपने कुत्तों पे कंट्रोल। यार हम ऐसा क्यों करेंगे यार हम नहीं करेंगे। तो गाइस यहाँ पे ना अपना घर के बच्चों में आपस में लड़ाई हो गई है ओली और बब्जी की लड़ाई हो गई है। मैं को ये नहीं समझ आ रहा वैसे ही अपनी बीवी से इतना डरता है आज अपनी बीवी को बॉल नहीं दे रहा। अब बात आ गई है राहुल के पास राहुल के साथ खड़ा हो गया बब्जी जिसके मुंह में बॉल है तो ये सबको ना वो कर रहा है उकसा रहा है कि ना तुम इसके मुंह से बॉल निकाल लो। वाह राहुल वाह तुम्हारा भी सॉफ्ट कॉर्नर है लड़कियों की तरफ। बब्बे तेरा कोई नहीं है भाई मेरे अलावा। बब्बे भाग गया बॉल लेके। तो तुमने किसको धोखा दिया फाइनली लेडी वाली को कि बब्जी को किसे मैंने तेरे को धोखा दिया। चल मेरे को तो धोखा दे के देखो मैं तुम्हारे टोटे टोटे ना करवा दूं। ये देख इसकी शेप देख कितनी अच्छी बन गई है इसके पीछे से ना शेप अब ये वापस आ गई है गाइस जो इसका पोस्ट प्रेगनेंसी वेट था ना तो जितने पपीज हुए है ना उनकी ना आप ये देखो कि ये चीज इतनी बड़ी है। हाँ। बॉडी लीन है वो आगे की मसल्स कितनी स्ट्रांग है फोरहेड कितना चौड़ा है ये देखो पूरा हाथ मेरा सोच रहे हो तुम। ऐसे तो बब्जी भी है बब्जी भी बहुत अच्छा मस्कुलर है। हाँ बहुत मस्कुलर है हमारा बब्बा भी। अब बब्बा तो बस प्यार का भूखा है प्यार कर दो। मुझे ये नहीं समझ आता राहुल इनको इतनी ठंडी जमीन पे क्या मजे आ। बब्जी छोड़ दे बॉल बब्जी बब्जी छोड़ दे। गाइस आज फिर ये नाच शुरू हो गया हमारे घर में और बब्जी ने पकड़ लिए राहुल के दोनों हाथ पकड़ लिए। गाइस बब्जी ने दोनों हाथ पकड़ लिए अपने मालिक राहुल के दोनों पकड़ लिए हाथ। अब तो आज तो गया राहुल का हाथ। राहुल नए साल में कट जाओगे तुम राहुल। राहुल प्लीज राहुल आज मेरी मम्मी का बर्थडे है उसके बाद कटवा लेना यार। कहाँ जाएंगे हॉस्पिटल तुम्हें लेके। ओ शिट यार ओ शिट दांत देख लो गाइस एक रॉटवाइलर के दांत देख लो आप। इस आदमी को डर नहीं लगता गाइस और लोग कहते हैं कि ये फूटू बातें करता है। मिट्टी मिट्टी वो तो मिट्टी मिट्टी हो गया तुम ना वो मत हो जाना टोटे टोटे। मेरा घुटना दर्द हो रहा है। घुटना तो छोड़ो घुटने खा जाएगा वो तुम्हारे। गाइस ये आदमी चल नहीं पाता वैसे चाल लंगड़ी है लेकिन ना कुत्ते के मुंह से बॉल निकालने में ना ये एक्सपर्ट है। हाय बब्जी ब्रो बब्जी ओ बब्जी बॉल दे दे बब्जी। मैं तो कोशिश नहीं करूँ तो अच्छा है तो बच्चे वो देखो वो आ रही है वो है हमारी क्या कहते हैं भाई साहब आज बब्जी ने भी खा लिया कि किस घर का मर्द ना मैं हूँ। वेरी गुड बब्जी वेरी गुड। ओली ना पीछे हो गई ओली कहती है बब्जी कह रहे हो गई ना मीटिंग बब्जी कह रहे अब हो गई मीटिंग अब मैं ना मुझे लड़की की जरूरत नहीं है। अरे ढंग से इधर से लेना क्या कर रहा है तू ना आप पकड़ो दे। गाइस जब ये हादसा हुआ ना मैं बब्जी के ऊपर खड़ी हुई थी मैं भाग गई वहां से मुझे इतना डर पड़ गया था ना। अब तो ये भी पास नहीं फटक रही। जोई तो बिल्कुल आस पास ही नहीं आ रही दूर दूर सर्कल में भाग रही कि भाई मेरे साथ ये ना हो जाए। वैसे ना जोई मुझे लगता है डरती तो है लेकिन कोशिश पूरी करती है इसके साथ। यहाँ पे देखिए कैसे कट 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 पड़ गए हैं जोई के। अब इससे कोई बॉल नहीं लेने आ रहा। मैं लूं? हाँ ले ले तू ले ले। तुम ले सकते हो वो तो मैं ले लूंगा पर मैं झुक नहीं रहा। तू बिना झुके ले लो वो मुझे दो कैमरा छोड़ो। दिशु को लेने दे ले ना दिशु हीरो बन रहा है इसको प्यार कर रहा है। यार लेडी वाली ने अपना सारा प्रेगनेंसी वेट ना झाड़ दिया है ना अब नहीं लगती बिल्कुल भी मोटी अब बहुत ही ज्यादा मस्कुलाइन और लीन लगती है अच्छी लगती है। कैसे लेट गई है ओला क्या कर रही है ये। ओला को चाहिए पापा से प्यार है ना ओला। तो गाइस ये देखो लेडी वाली ना बिल्कुल ना पार्क में मिट्टी पे लेट गई ठंडी मिट्टी पे इसको सर्दी का कोई एहसास नहीं है। ये कह रही है पापा मुझे ना प्यार करो
क्योंकि आज ना बब्जी ने ना बॉल नहीं दी, तो अब ना ये बहुत डिसहार्टन हो गई है कि इसके पति ने ना इसका कहना नहीं माना, इसको बॉल नहीं दी। जाओ ना बॉल ले ले, वो ना बॉल पे ना कब्जा जमा के बैठा है, जैसे ना कहीं का ना सरपंच हो। छोड़ दे बब्जी बॉल, बिल्कुल डर नहीं लगता। चली जा लेडियो ने, इससे क्या डरना, इसके बच्चों को तूने जन्म दिया, इससे क्यों डर रही है, जा बॉल लेकर आ। भाई देख लो, वो उसको देख रही है पर ना बॉल लेने नहीं जा रही, अब कर रही है, अटेम्प्ट कर रही है। चल चली जा लेडी वाली, ले ले। बब्जी घुर्राया, बब्जी घुर्राया, बब्जी घुर्राया राहुल के ऊपर। गाइस आज घुर्राया बब्जी राहुल के ऊपर, और देख रहा है तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के देख रहा है राहुल को कि तुम बॉल ले लोगे। बहुत ही गंदी लुक्स दे रहा है बब्जी, बहुत ही ज्यादा। राहुल तुम्हें डर नहीं लग रहा इसकी लुक से? ये तुम्हें वार्निंग दे रहा है, वार्निंग तुम्हें वार्निंग दे रहा है ये, तुम्हें डर नहीं लग रहा राहुल? बब्बे दे दे पापा को बॉल, बब्बे बब्बे को शू करा दूं, कराओ के देखो बब्बे। व्हाई मी ऑल द टाइम बब्बे? अब वो मुझे देखती रहा शू। ओला तेरे में दम नहीं रहा क्या बब्जी से लड़ने का, बॉल ले ले। गाइस जोई तो ना बिल्कुल ना किसी उसमें नहीं है, भाग ही गई है, बिल्कुल भाग गई, बिल्कुल। वो कह रही है मेरे को तो भाई पति पत्नी के लफड़े में ना पढ़ना ही नहीं है, ना मिले बॉल नहीं मिलती तो। तो गाइस ये ना रोशनी को देखो कैसे कितने अच्छे स्टांस में बैठी हुई थी, ये इसका बड़ा मन है रोशनी का कि ना ये दोस्ती हो जाए इसकी ना लेडी ऑली और बब्जी के साथ, है ना, इनका बड़ा मन है दोस्ती करने का, पर ना हाँ वो चली गई। लेकिन भाई बब्जी आ रहे, मत कर इतनी दोस्ती, वापसी आ जा तू, बच्ची का ध्यान रखना, बच्ची का कटेगा, कटेगी एक दिन, देखते बब्जी कुछ करता है। उसके घर के आगे जाके खड़ी हो गई है। ओए ओए नो 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 दिशो दिशो, कट काट देगा, काट लेगा वो। बब्जी जेंटलमैन है, देखो लड़कियों को कुछ नहीं कहता, चुपचाप खड़ा। बुला लो राहुल उस बच्चे को, दिशो अंदर कर दे बब्जी को। ओए आ गया आ गया, अब बब्जी पीछा कर दे, अब कट काट लेगा राहुल, वो काट लेगा, मैं तुम्हें बता रही हूँ। बबे चला जा अंदर जा, हमें कुछ नहीं कह रहा वो अब तुम्हारी प्रोटेक्शन में खड़ा हो गया राहुल बेसिकली। नहीं नहीं जाओ, जा बब्जी जा अंदर, इधर आ। नहीं रहने दो, जाने दो उसको, जाने दो यार, क्या दोस्ती कराओगे इससे। आ गया राहुल ने इशारे से बुलाया, बब्जी आ गया। भाई बहुत मानता है वो राहुल को। चल भाग जाओ। तो गाइस देख लो कैसे चमेली के बच्चे ना दोस्ती करके ना बब्जी के साथ इतनी क्लोज हो गए हैं। बाय बब्जी। तो गाइस यहाँ पे आ गए बच्चों का खाना, और मैंने कल भी वीडियो डाली है कि जिन जिन को बच्चे चाहिए हमें बता दो, अब टाइम आ गया इनको इनके घर भेजने का, ताकि अच्छे से इनको प्रॉपर और भी केयर मिल सके, इंडिविजुअली घर वालों का प्यार भी मिल सके, ठीक है ना। हाँ जी भूख लग गई है, बहुत भूख लग गई मेरे बच्चों का, आज तो मेरे बच्चों को इंजेक्शन लगेगा, मोटा वाला इंजेक्शन लगेगा इन गुल्लू गुल्लुओं को, हाँ मोटी वाली सुई लगेगी। नोवी भी खेल रहा, मजा आ रहा है आपको? हाँ हाँ, तो नोवी दीदी के साथ ना जंप मार रहे हैं। हाँ भूखी लग गई है ना इनको, रात के खाए हैं ना। हाँ चलो अब एक एक करके इनको उठाते हैं, खाना खिलाते हैं। ये है मेरी छोटी सी फीमेल, उसका पेट हो गया बिल्कुल खाली, उसको लगी बहुत भूख, तभी हमें पता है किसने खा लिया, कुछ देर खा लिया था। कोई नहीं कोई नहीं, भूख लगी, कोई बात नहीं, आगे के पैर पकड़, थोड़ा चटवाओ उसके बाद। हाँ अच्छा अच्छा, खुद ही हाँ करके कह रही है आना, तुम्हें आना मेरी रसगुल्ली, छोटी सी रसगुल्ली है, देखना खाना खाओ।
चलो मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है। प्यार से करो सबको, मिलो प्यार से, प्यार से, प्यार से, प्यार से, प्यार से, प्यार से दिशु, प्यार से बेटा, प्यार से। आज इनकी ना वैक्सीनेशन करवाने जाना है दिशु, काम टाइम से खत्म कर लो, ठीक है? लंच से पहले ही जाएंगे शायद, या लंच के बाद देखते हैं, आज इन्हें लगेगी सुई, ठीक है? तो गाइस पहली वैक्सीनेशन जो इन्हें लगेगी वो लगेगी 9-in-1, जिससे इनकी पार्वो डिस्टेंपर वगैरह के अगेंस्ट प्रोटेक्शन हो जाए। बहुत जरूरी और सबसे इम्पोर्टेंट वैक्सीनेशन है, हम इसी वैक्सीनेशन का वेट कर रहे थे, नहीं तो बच्चों की बुकिंग तो ऑलमोस्ट हो ही गई है, बच्चों ने अपने अपने घर चले जाना है, लेकिन हमें था हम एक बार इंजेक्शन जरूर लगा ले ताकि इनकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाए और उसके बाद ये लोग जब अपने घर जाएं तो सब के सब अच्छे और स्वस्थ जाएं। तो अपनी तरफ से हम पूरा ध्यान दें। हाँ बेटा तुम्हें भी मिलेगा, टेंशन मत लो। और ना दिशु जब याद दिलाइयो वहां पे, अगर मैं भूल जाऊँ ना, जब हम लोग वो वैक्सीनेशन कराएंगे ना, वहां से एक पेट शॉप है ना वहीं पे, तो एक ड्राई शैम्पू ले लेंगे। वो ड्राई शैम्पू पता है ना क्या होता है? क्या होता है बता? धोएंगे नहीं, पानी नहीं चाहिए होता उसमें, बस स्प्रे करो और क्लीनिंग अपने आप हो जाती है। तो ड्राई शैम्पू को एक डब्बा खरीद लेंगे, स्प्रे खरीद लेंगे, इनको स्प्रे करा देंगे, ठीक है? और भी दो चम्मच दे दे, बहुत सारा है, अभी चार है ना उसमें, इनको भी 9-9 चम्मच दे दे, दो दो डब्बे बच जाएगा मुझे लगता है, ऐसा नहीं है, बाकी देख चल ऐसे कर ले पहले, अभी दिन की प्लेटें तो साफ होने थे एक बार। वैसे यहाँ पे बच्चों ने देखो खाना खा लिया, ठीक है? अब दिशु कह रहे पहले मैं ना इनका थोड़ा पेट भर गया, अब पहले इन चारों को खिलाऊंगा, क्योंकि देखो इतना मटेरियल है हमारे पास, अगर बचेगा तो फिर दो दो चम्मच इनकी प्लेट में चला जाएगा, ठीक है ना? यही कह रहा है ना तू? देखियो आंखों तक पे लगा लिया इन्होंने, इतना इनको अजीब सी भूख है इन लोगों को, वो अभी भी वो स्लो है ना। चलो अब हर सनी रिफिल, ओ दिशु रिफिल कर, दिशु हाँ मिल रहा है, मिल रहा है। ओ बाहु, बाहु का मेरा, ये मेरा बाहुबली, मेरा बाहुबली, बाहुबली को खाना दो भाई। कल ना हमें फोन आया कि ना बाकी सब पब्लिक का तो लोग पूछ रहे थे कितने के क्या है, हमने बताया, उन्होंने ना किसी एक बंदे का मुझे ना बाहुबली चाहिए, मैंने बाहुबली तो मैं 1 करोड़ रुपए में दूंगी, 1 करोड़ रुपए में, क्योंकि बाहुबली जो है ना मेरा बेटा है, मेरा बेटा है ना, इससे दिल लग गया मेरा, तो ये मैं किसी को भी दूंगी, है ना मेरे बाहू, है ना मेरे बाहू। बाहुबली कह रहा मैं भी नहीं जा रहा कहीं जिंदगी भर, तुम्हारा ही खून पीऊंगा, खून खून पीऊंगा, है ना? तू बब्जी को तो नहीं काटेगा किसी दिन, है बाबू? अपने पापा को तो नहीं काट लेगा किसी दिन, बता दे, है? पता चले गाइस कौन कौन एक्साइटेड है बब्जी वर्सेस बाहुबली देखने के लिए आगे फ्यूचर में, है? या फिर तू वो वाला बेटा निकलेगा जैसे एनिमल है रणबीर कपूर वाला, है कि अपने बाप के लिए लड़ जाऊंगा, मिल जाऊंगा, बताओ टेवर तो देख लो गाइस इसके अभी से, बहुत ही बागी और वाले तेवर है इसके अभी से, है ना? बागी है ना तू, अभी से लड़ना नहीं है बब्जी से आगे जाके, है अपने बाप की रक्षा करनी है, ओके? ले बाहुबली खाना खा ले, यहाँ भी बाहुबली और दूसरा लॉट जो है हमारा खाना खाने लग रहा है, बस एक बच्चा रह जाएगा इनमें। ओए होए 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 होए, इतनी बेचैनी, इतनी बेचैनी हो रही, आराम से आराम से आराम से आराम से, चल दस दस नहीं तो तू ही लगा दे दूसरा बच्चा, हाँ कोई नहीं। तो अभी दूसरा लॉट लगा दिए, पहला लॉट खाना खा के अपना क्लीनिंग में भी उसमें लग गए, पेट वेट साफ करने में इन्होंने देखो शिट कर भी दिया, बस ये एक बच्चा रह गया, इसकी पेशेंस को मैं आज फिर एक दांत देना चाहूंगी, ये ना इतने बेकार है ना सनी और दिशु, जो बच्चा ना बिल्कुल कुछ नहीं कहता ना उसको छोड़ देते हैं, बाकी जो ज्यादा उतावले हो रहे होते हैं ना उनको सबसे पहले खाना खिलाते हैं, उस बेचारे की ना पेशेंस ही उसको लेके डूब जाएगी एक दिन, है ना? गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को हम लोग यहीं एंड करते हैं, कल मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, और तब तक के लिए बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और जरूर मेरे को ना कमेंट सेक्शन में बताना कि आगे जाके आपको क्या लगता है, बाहुबली और बब्जी दुश्मन बन जाएंगे या फिर बाहुबली और बब्जी बिल्कुल बाप बेटे की पक्की जोड़ी बनेंगे जो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, जरूर बताना अपने।